हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना बताएंगे जो सिर्फ 3 फंदों में बन जाता है। इसलिए आपको 3x3 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और ये 2 सिलाइयों में पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही सुंदर डिज़ाइनें लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डिज़ाइन का एक नया लेयर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये किनारे का एक फंदा निकाल लेंगे, धागा ऊपर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा नीचे, और ये 2 फंदे हैं, इसको सबसे पहले ये सेकेंड वाला फंदा में नीचे के लूप से बुनेंगे, और उसके बाद से ये फर्स्ट फंदा जो है इसके भी नीचे के लूप से इसको बुन लेंगे। अब फंदा गिराएंगे नहीं, जब दोनों बुन लेंगे तब इसको गिराएंगे। फिर धागा ऊपर करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे, और ये 2 फंदों में पहले ये दूसरा वाला फंदा पहले बुनेंगे नीचे के लूप से, और फिर ये पहला वाला फंदा नीचे के लूप से तब बुनेंगे इसको, और इसके बाद ये दोनों फंदे गिरा देंगे। फिर धागा ऊपर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा नीचे, और इस 2 फंदों में सबसे पहले ये दूसरा वाला फंदा जो है सेकेंड वाला इसको नीचे के लूप से इसको बुन लेंगे, और उसके बाद ये फर्स्ट फंदा जो है इसमें भी नीचे के लूप से सिलाई लगाकर इसको बुन लेंगे। इस तरह ये सिलाई हम पूरी करेंगे। इसी को बुनते हुए इसको हम जल्दी से बुन लेते हैं। ये पहली सिलाई पूरी हो गई, अब ये दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई। अब इसमें भी देखिए क्या करना है, ये किनारे का फंदा निकाल लेंगे, धागा नीचे करेंगे, और जो उधर से उल्टा बुने थे उसको इधर से सीधा बुनेंगे, धागा ऊपर करेंगे, और ये जो 2 फंदे डिजाइन के बुने हैं इसमें सबसे ये दूसरा वाला फंदा इसको पहले उल्टा बुनेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट वाला फंदा इसको फिर उल्टा बुनेंगे ऊपर के लूप से। जो शुरू में किए हैं उसी तरह इसको भी बुनना है, लेकिन इसमें भी ये दूसरा वाला फंदा ऊपर से बुनाएगा ऊपर के लूप से, और तब ये फर्स्ट वाला फंदा इसको भी ऊपर के लूप से उल्टा बुनेंगे और दोनों फंदों को घिरा देंगे। इस तरह से ये उल्टा बुने सीधा, और ये धागा ऊपर करके इसी तरह इसी क्रम में इसको दोहराएंगे। देखिए डिजाइन का ये लेयर भी बनकर पूरा हो गया, और ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि डिजाइन कैसा लगा। धन्यवाद।